अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोग इस्तकबाल एक से अकेडमी पर नाउ। अगर आपको कल याद होगा तो कल हम स्टार्ट किया था गायनोशियम। गायनोशियम मतलब जी मादा कॉलोनी साफ, उसको हम क्या कहते हैं? गायनोशियम। कल हमने स्टार्ट किया था गायनोशियम, और इस गायनोशियम के अंदर हमने कहा था कि गायनोशियम के अंदर जो एक साफ होती है उसको हम क्या कहते हैं? पिस्टिल। कल हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होती है? पिस्टिल। और पिस्टिल के अंदर कितनी साफ्टें होती है? उसके अंदर भी कितनी साफ्टें होती है? तीन। कौन कौन सी तीन साफ्टें होती है? एक होती है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, और तीसरा ओवरी। क्या होता है तीसरा? ओवरी। ठीक है, तो कल हमने बात की थी यहाँ पर कि स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। स्टिग्मा क्या होता है? अरे पीछे कहाँ पढ़ना है, क्या देख रहे भाई, याद नहीं करेगा। क्या होता है मालूम है? वो सतह होती है जिसको प्लेटफॉर्म। क्या होता है? प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आगे कौन रुकेगा? पोलर ग्रेन। दूसरा क्या होता है? स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? एक नली की तरह स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह दिखने वाली साफ होती है। और तीसरा हमने कहा था ओवरी। ओवरी क्या होता है? खुला हुआ ऐसा, और खुला हुआ क्या होता है? हिस्सा होता है ना, ये इस तरह का हमने कल साफ बना लिया था। ठीक है, इस तरह के साथ हमने बनाया था। ये था स्टिग्मा, ये था स्टाइल, और ये था ओवरी। याद आ रहा है? कल हमने ये पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि ओवरी के अंदर क्या होती है ना, क्या होता है? बेसिक कैफा होता है, और उस बेसिक कैफे के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स की हमने कहा था कि तादाद कैसी होती है? एक भी होती है और कसीर भी होती है। एक ही मिसाल चाहिए थे हमें, धान, गेहूं, आम, है ना। तो ये याद रखना है कि सिंपल याद रखना, एग्जाम में सवाल किया गया था कि ऐसे ओवरी जिनके अंदर ओव्यूल की तादाद सिर्फ एक होती है, उसकी एग्जाम्पल कौन है? धान, गेहूं, आम। और वो जिनके अंदर कसीर होती है? पपीता, पपैया, तरबूज और ऑर्किड्स। जिसको ऑर्किड्स याद आ रहा है? कल हमने बात की थी, जिसको मैंने कहा था कि जो हमारे पास आज मार्केट में ड्रैगन फ्रूट देखने को मिल रहा है वो, ठीक है ना। कल हमने कहा था कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओव्यूल्स ओवरी के अंदर अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। वहां प्लासेंटा होती है। प्लासेंटा क्या होती है? तो आप लोग मैंने अक्सर देखा होगा कि मतलब इंसानों के केस में अगर आप प्लासेंटा को समझे तो शायद यहाँ ज्यादा समझ में आएगा कि माँ और जो बच्चा होता है, जो माँ के पेट में बच्चा होता है, तो उस माँ और बच्चे के दरमियान में हमको एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब बच्चा माँ के जिस्म से बाहर आता है तो उसको क्या करते थे? कट करके उसको वापस की जिस्म में डाल देते थे। आमतौर पर बोलते हैं नाल, है ना, हम क्या बोलते हैं उसको? नाल। तो वो जो माँ का और बच्चे के बीच में कनेक्शन होता है, वो जो रॉड लाइक कॉर्ड लाइक साफ होती है, उसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। तो वैसे ही पौधों के अंदर भी क्या होता है? जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल का कनेक्शन ओवरी, यानी जो ओवेरियन कैविटी था, बेसी कैफा था, उसके साथ अटैच करने के लिए वहां पर क्या होती है? कॉर्ड लाइक साफ्ट होती है, जिसको हमने क्या कहा था? प्लासेंटा। तो कल हमने यहां तक बात की थी। अब उससे आगे हम बात करने वाले हैं। कल हमने एक और बात की थी कि वहां पर हो गया मेगा स्पोरेंजियम। याद आ रहा है? हमने कल कहा था मेगा स्पोरेंजियम, और दूसरा मैंने लफ्ज कहा था कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? माइक्रो। हमने क्या पढ़ा था? माइक्रो स्पोरेंजियम। और यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेगा स्पोरेंजियम। तो सबसे पहले बेसिक जो साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो बात हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मेगा स्पोरेंजियम। और उस मेगा स्पोरेंजियम को यहाँ क्या कहा जाता है? ओव्यूल। यहाँ हमारे आमतौर पर समझने के लिए क्या बोल रहे हैं उसको? अंडा। ठीक है, तो जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, उसके जिस्म में क्या होता है? उसके जिस्म में होता है मेगा स्पोरेंजियम, उसके पास होता है ओव्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं आमतौर में? अंडा। ना अब ये अंडा, ये मेगा स्पोरेंजियम की पूरी साफ कैसी होती है हम उसको समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो ओव्यूल होता है ना, ये जो मेगा स्पोरेंजियम है, ये ओव्यूल एक छोटी सी साफ है।
और ये छोटी सी सांप का ये प्लासेंटा से एक डंठल के जरिए क्या होती है, जुड़ी होती है। तो प्लासेंटा यानी वो जो दीवार है जहां पर वो अटैच होगा उसके साथ जोड़ने के लिए उसके बीच में एक डंठल होगी, एक डंडी होगी, उसको कहा जाता है फ्यूनिकल। क्या कहा जाता है उसको? फ्यूनिकल। तो यहां पर देखिए ये जो सांप है ना इसको कहा जाता है फ्यूनिकल। ये क्या है? फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल क्या करती है, वहां पर वो जो सांप है उसके साथ उसको अटैच करके रखती है। अब इसकी जो असल शक्ल है वो कैसी दिखाई देती है, मैं थोड़ा सा उसको डायग्राम के जरिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कल हमने कहा कि क्या होता है, हमने कहा कि वहां पर होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद होता है स्टाइल, और स्टाइल के बाद एक उभरा हुआ भूरा, एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जी, ठीक है। इस उभरे हुए हिस्से में ये वाली साफ होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेगा स्पोरिंजियम। तो इस तरह से यहां पर ये साफ होती है, ठीक है। तो ये जो अटैचमेंट है ना, ये अटैचमेंट ये है प्लासेंटा। तो ये ओवरिन यानी बेसिक कैंपा है और ये बेसिक कैंपे के साथ मेगा स्पोरेंजियम यानी ओवियन अटैच है। तो ये जो साफ है जो इनको जोड़ के रखेंगे वो कौन है, प्लासेंटा। अब इस प्लासेंटा के आगे जो दूसरी साफ है जो इनको जोड़ने का काम कर रही है वो कौन है, फ्यूनिकल, जो एक डंडी की तरह आपको दिखाई दे रही है। तो यहां तक ये जो पूरी साफ है ये कौन है, फ्यूनिकल, और यहां पर ये जो अटैचमेंट हो गया वो कौन है, प्लासेंटा, ठीक। दूसरा कि ये जो प्लासेंटा है, इस प्लासेंटा के बाद क्या होता है, तो ये जो ओव्यूल है ना, ये जो मेगा स्पोरिंजियम है, ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल का जिस्म जिस जगह पर भी है तो फ्यूनिकल से जब वो जुड़ता है तो उसको कहा जाता है हाइलम। क्या कहते हैं उसको, हाइलम। तो यहां पर देखिए यहां पर एक सांप थी जिसको यहां पर बताया जा रही है हाइलम। क्या है ये, हाइलम। तो बेसिक क्या याद रखना है कि यहाँ पर आपके पास ओव्यूल है यानी मेगा स्पोरेंजियम है, उसको जोड़ के उसको पकड़ के रखने का काम एक डंडी करती है जिसको कहते हैं फ्यूनिकल। और ये जो फ्यूनिकल है किससे जाके जुड़ी हुई है, प्लासेंटा। प्लासेंटा किससे जुड़ा हुआ है, बेसिकैम्पा, याद रहेगा ना। अब ये जो हाइलम है तो हम ये कहते हैं कि हाइलम जो है ये दो को जोड़ने का काम कर रही है। किसको जोड़ने का काम कर रही है, तो हाइलम ये एक ओव्यूल को और दूसरा किसको, फ्यूनिकल, इन दोनों के दरमियान क्या कर रही है, जंक्शन का काम कर रही है, इनको जोड़ने का काम कर रही है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो हाइलम है, ये वाला हाइलम, ये वाली जो साफ्ट है, तो ये वाली साफ्ट कौन है, फ्यूनिकल। और यहां पर जो आगे साफ्ट होगी जहां पर ये पूरा बेसिक कैमरा है तो ये होगी प्लासेंटा। तो इस तरह से इनके दरमियान में जो कनेक्शन बनाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, हाइलम। तो ओव्यूल ओव्यूल के साथ फ्यूनिकल दोनों को जोड़ने का काम कर रही है हाइलम, और जो फ्यूनिकल है वो आगे चल किसके साथ जुड़ने वाली है, प्लासेंटा, और प्लासेंटा किसके साथ जुड़ने वाली है, बेसिकैम्पा, यानी ये वाली जो साफ्ट है ना उसके साथ जुड़ने वाली है, ठीक। नहीं समझे, नहीं समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बेसिकैम्पा है, ठीक है। इस कैम्पे के अंदर कौन है, ओव्यूल। तो ओव्यूल और बेसिक कैम्पा ये दूसरे से जुड़े हुए, तो अब ये जोड़ कौन बनाएगा, तो पहला जो जोड़ है जो किसकी तरफ से आ रहा है, बेसिक कैम्पा की तरफ से, वो कौन है, प्लासेंटा। फिर प्लासेंटा के बाद एक और साफ्ट है जो डंडी की तरह दिख रही है, वो कौन है, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल के बाद एक और साफ्ट है जिसको क्या कह रहे हैं हम, हाइलम। तो बेसिकली हो रहा क्या कि ये जो हाइलम है, ये हाइलम इनडायरेक्टली किसको कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है एक तरफ फ्यूनिकल को, और फ्यूनिकल को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ओव्यूल के साथ। समझ में आया, ओवरी के साथ वो कनेक्ट करने का काम कर रहा है। फिर हम ये कहते हैं कि हर ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यानी अभी पूरी जो साफ है ये ओव्यूल है, तो हर ओव्यूल के अंदर क्या होता है, हर ओव्यूल के अंदर एक या दो हिफाजती गलाफ होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उन हिफाजती और गलाफ को क्या कहा जाता है, जो बाहर की है और दूसरी इंटुगमेंट वो है जो अंदर की जानिब है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अतराफ में हिफाजती गलाफ है, और ये जो हिफाजती गलाफ बन रहा है उस गलाफ को क्या कहा जाता है, इंटुगमेंट। फिर ये इंटुगमेंट में भी दो लेयर है, एक बाहर है और एक उसके अंदर है। तो जो इंटुगमेंट बाहर है वो कौन सी हो गई,
बाहरी यानी बेरूनी इंटूगमेंट, और जो उसके बाद है वो कौन हो गई अंदरूनी इंटूगमेंट। फिर ओव्यूल के दरमियान में क्या होता है, तो ओव्यूल को इंटूगमेंट चारों तरफ से क्या करके रखता है, घेर के रखता है। सिर्फ यहां पर आपको एक जगह ओपनिंग देखने को मिलेगी, एक जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, सुराग देखने को मिलेगा। जिस जगह पर आपको सुराग देखने को मिलता है उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को कहा जाता है माइक्रो पाइवालस। यहाँ पर हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है सिवाय ऊपरी हिस्से के, जहां पर क्या देखने को मिला है आपको एक छोटा सा सुराग। और ये जो छोटा सा सुराग है, इस छोटे से सुराग के पास अगर आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा उसमें क्या है माइक्रोपाइल। तो क्या होता है, जो माइक्रोपाइल वाले सिरे के मुखालिफ सिम्त में क्या करता है, चनाजा होता है, जो ओव्यूल के असासी हिस्से की क्या करना होता है नुमाइंदगी। तो एक जगह क्या है, यहाँ पर ओपनिंग है, वो कौन है माइक्रोपाइल, और उसके मुकाबले में जो दूसरा हिस्सा वो कौन है चनाजल पुल। तो बेसिकली ये उसकी बुनियादी साख का रोल प्ले कर रहा है। अभी जो डायग्राम आपके सामने ये उल्टी है, आमतौर पर वो डायग्राम इस तरह से होती है, समझ में आ रहा है, ये जो डायग्राम है ये इस तरह से होती है, लेकिन ये समझाने के लिए इस डायग्राम को उल्टा बताया गया। तो बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है, बेसिक कंसेप्ट ये याद रखना है कि जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जो इंटूगमेंट होती है वो चारों तरफ होता है। फिर इंटूगमेंट के अंदर एक जगह वो होती है जहां पर इंटूगमेंट अब्सेंट होती है, अगर वो अब्सेंट होगी वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी तो वो हिस्सा कौन बन जाएगा, खाली सुराख। वो खाली सुराख वाला हिस्सा क्या है माइक्रोपाइल, और उस माइक्रोपाइल का जो अपोजिट हिस्सा है वो कौन हो गया चलाजल पोल। तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर दो पोल है, दो पोल का मतलब क्या है, दो एंड है, एक एंड ये है दूसरा एंड ये है। तो जो एंड माइक्रोपाइल के अपोजिट में है उसको बोला जाता है चलाजल पोल या चलाजल एंड, क्या बोलेंगे उसको चलाजल पोल या फिर क्या बोलेंगे चलाजल एंड। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, मेगा स्पोरेंकियम का या किसका ओव्यूल का। देखिए पास समझ में आया, नमाद साजिदा अलविया फातिमा अनम ठीक ना, इसी को थोड़ा सा मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो ओव्यूल है, तो ओव्यूल ओव्यूल इज अ फीमेल मेगा स्पोरेंजियम प्रेजेंट इन दी ओवेरियन कैविटी। जो ओवेरियन कैफा होता है, बेजी कैफा होता है, वहां पर कौन प्रेजेंट होता है ओव्यूल, जिसको हम क्या कह रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम। देन हमने कहा कि इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू दी प्लासेंटा विथ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्यूनिका, एक डंडी की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है, स्टॉक की तरह दिखने वाली साफ है, जिसको हम क्या कहते हैं ट्यूनिकल, उसके साथ वो अटैच है। Now the body of ovule fuses with funicular region is called as hilum। जो body है यानी जो ovule है, ये ovule जिस जगह जाके attach है, जिस जगह जाके जुड़ा हुआ है, जिस जगह जाके fuse हो गया, वो जो हिस्सा है funicular का, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं hilum। Then हमने कहा कि each ovule is surrounded by one or two protective layer called as integument। तो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय इंटूगमेंट, इंटूगमेंट इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर, या जिसको हमने कहा था हिफाजती रडार। नाउ इंटूगमेंट क्या होती है, तो इंटूगमेंट इन सेंटर द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप, ये जो इंटूगमेंट है, इंटूगमेंट ने क्या किया हर जगह से इसको घेर के रखा हुआ है, बट कहां पर एक्सेप्ट एट द उसके ऊपरी हिस्से पे या उसके किसी कोने पर उसने उसको क्या करके रखा हुआ है, घेर के रखा नहीं है, या वहां पर उसने उसको खाली रखा हुआ है। Now the small opening present at the tip of ovule is called as micropyle, उसको क्या बोला जाता है
माइक्रोपाइल एंड द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर इन इज कॉल्ड एज चलाजा ट्यूब। और इस माइक्रोपाइलर का जो अपोजिट एंड होगा वो कौन होगा, चलाजल एंड होगा, या उसको कह देंगे चलाजल को। तो बेसिक याद रखना है आपको कि जो मेगा स्पोरेंजियम होता है उस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर सिर्फ चार नाम अपने याद रखना है। पहला याद रखना है प्लासेंटा के साथ जुड़ा हुआ है वो है क्यूनिकल, ठीक है। फिर ओव्यूल और फ्यूनिकल इन दोनों को जोड़ने वाला जो हिस्सा है वो कौन है, हाइलम। फिर जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अतराफ में जो हिफाजती गिलाफ है वो कौन है, इंटुगमेंट। इंटुगमेंट भी दो तरह की है, एक बाहरी और एक अंदर की है। फिर वो हिस्सा जहां पर इंटुगमेंट अब्सेंट है वो हिस्सा कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड का जो अपोजिट है वो कहलाता है चलाजल एंड। बहुत आसानी से आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक। बढ़ना है आगे जी। एक और चीज जो मैंने अब वहां जो डायग्राम थी वो थोड़ी सी समझने के लिए डिफिकल्ट थी, अब ये डायग्राम शायद आपको और आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा कि ये जो फिनिकल, और इस फिनिकल के बाद वाला यहाँ वाला जो हिस्सा होगा वो कौन होगा, हाइलम। ये बाकी का कौन हो गया, ओव्यूल। जो एंड पर इंटुगमेंट एब्सेंट है वो कौन हो गया, माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल का अपोजिट कौन हो गया, चलाजा। अभी याद रहेगा। नाउ एक और चीज जिसको याद रखना है जो इस डायग्राम के अंदर है वो क्या है कि जो इंटुगमेंट है उस इंटुगमेंट के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सरिये होते हैं या सेल होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इंटुगमेंट के अंदर क्या होता है, मखसूस किस्म के स्पेशल टाइप के सरिये होते हैं, सेल होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूसेलस। उनको क्या कहते हैं, हम न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस है ये क्या करते हैं, तो ये जो न्यूसेलस है ये जो खलिये है ये बड़ी मिकदार में क्या करते हैं, ग़िज़ाई अशिया में क्या करके रखते हैं, ज़खीरा करके रखते हैं। ये न्यूसेलस क्या करते हैं, जो भी ग़िज़ाई अशिया है उसका क्या करते हैं, ज़खीरा। तो अभी देखिए ये जो साफ्ट है, इस साफ्ट में हमने क्या कहा, इस साफ्ट में हमने कहा कि ये इंटुगमेंट्स है, इंटुगमेंट्स के अंदर ये जितने भी आपको छोटे 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 सेल्स दिख रहे, ये जो बल्ज दिख रहा है, ये जो मजमू दिख रहा है, ये किसका है, न्यूसेलस। किसका है, और ये जो न्यूसेलस है बेसिकली ये क्या करते हैं, ये ग़िज़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ग़िज़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनके पास बहुत बड़े तादाद में उन्होंने क्या करके रखा है, ग़िज़ा जमा करके रखा हुआ है। फिर ये जो न्यूसेलस है ये क्या करते हैं, यानी ये किसको ग़िज़ा पहुंचाएंगे, तो हम ये कहते हैं कि न्यूसेलस जो होता है उस न्यूसेलस के बीच में एक और स्ट्रक्चर है, उसको कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। क्या कहा जाता है उसको, या उसको हम कहते हैं मादा गैमेटोफाइट्स। क्या कहते हैं उसको, मादा गैमेटोफाइट। तो ये जो साफ्ट है इसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक, या इस एम्ब्रियो सैक को दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं, मादा गैमेटोफाइट्स। क्या कहते हैं उसको, मादा गैमेटोफाइट्स। और ये जो मादा गैमेटोफाइट्स है इसको आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे, ये जो मादा गैमेटोफाइट है, ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये होता क्या है, या इसके अंदर जितने सेल आपको दिए गए ये कौन कौन है, क्या काम करने वाले हैं। बट इतनी बात याद रखिए, जब हम मेगा स्पोरेंजियम की बात करते हैं तो उस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर कितनी साख्ते हैं, ट्यूनिकल, यहाँ पर जो मौजूद है वो कौन है, हाइलम, ये पूरा जो हिस्सा है ये है ओव्यूल। फिर इस ओव्यूल के अंदर कौन कौन से हिस्सा है, तो एक है जिसको हमने कहा इंटुगमेंट, इस इंटुगमेंट के अंदर वो हिस्सा जहां पर इंटुगमेंट एब्सेंट, माइक्रोपाइलर, इस माइक्रोपाइलर का जो अपोजिट हो गया वो कौन हो गया, चलाजा। फिर इंटुगमेंट के बीच में जो बल्ज है सेल का वो कौन है, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या बोल रहा है, रिजर्व। फिर इस न्यूसेलस के बीच में कौन है, एम्ब्रियो सैक। कौन है, एम्ब्रियो सैक। और ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक आगे चल के क्या करेगा, किस तरह के काम करेगा, उसको आगे देखने वाले हैं। उमूमन आमतौर पर क्या होता है, एक ओव्यूल में वाहिद एम्ब्रियो सैक होता है। आमतौर पर क्या होगा कि ये एक ओव्यूल है, इस तरह से कई सारे ओव्यूल होंगे, तो हर एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होगा। आमतौर पर ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होगा जो आगे चल के क्या करेगा, तकफीफी तकसीम करेगा। क्या करेगा,
तफ्फीफी तकसीम करेगा, तफ्फीफी तकसीम मतलब तफ्फीफ करेगा, रिड्यूस करेगा, जिसको हमने क्या कहा था, किसी को याद आ रहा है तफ्फीफी तकसीम को कौन सा प्रोसेस कहते हैं ऑनलाइन में, किसी को याद आ रहा है? साजिदा, फातिमा, रुमान, अलवेल का अक्सर है क्या? हेलो, मियोसिस, माइटोसिस नहीं, मियोसिस, कौन सा वाला अमल होता है? मियोसिस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एम्ब्रियो साइट है, इस एम्ब्रियो साइट में कौन सा अमल होगा? मियोसिस। और आपको याद होगा मैंने बार बार ये बात बोला है कि मियोसिस के अमल में क्या होता है, जो डिप्लॉइड सेल होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? हैप्लॉइड सेल। इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं हैप्लॉइड सेल। तो ये जो डिप्लॉइड है ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इसके पास क्रोमोसोम की कितनी क्वांटिटी? दो। कितनी बच जाएगी? एक। आगे चल के अगर ये हैप्लॉइड बन रहा है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? मेगास्पोर। क्या बन जाएगा वो? मेगास्पोर। तकसीम होगी और उसकी वजह से वो क्या बनाता है? मेगास्पोर से वो बनता है। तो बेसिक बुनियाद क्या याद रखना है? बेसिक बुनियाद याद रखना है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साख्ते है, मादा कॉलोनी साख्ते है। तो मादा कॉलोनी साख्ते में भी आगे जाके क्या बनेगा? जिंसी खलिया। कौन सा जिंसी खलिया बनेगा? जिसको हम क्या कहते हैं? गैमेट्स। जैसा हमने पढ़ा था मेल के अंदर यानी नर के अंदर, नर के अंदर आखिर में कौन बनता है? पोलन ग्रेन। समझ में आया? तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है कि आखिर में इस ओव्यूल के अंदर रहता है एम्ब्रियो सेट, उस एम्ब्रियो सेट के अंदर तकसीम होती है जिसके जो कहा से बनता है? मेगा स्पोर से बनता है। इसलिए इस प्रोसेस को हमने क्या बनाया? मेगा स्पोर। क्या बोला इसको? मेगा स्पोर। ठीक, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? साथ में कोई डाउट है मेगा स्पोर एंजियम की? जैसा हमने पोलन ग्रेन के साथ पढ़ा ना, पोलन ग्रेन के साथ क्या पढ़े हमने? बाहर की लेयर होती है जिसको कहते हैं एक्साइन, उसके बाद के अंदर की लेयर होती है इंटायर, फिर अंदर दो और सेल होते हैं, दो और खली होते हैं, बड़ा होता है एक छोटा होता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव, याद आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ पर हमने ओव्यूल की साख पढ़ी, ठीक है, और अभी आगे हम अंडे की साख पढ़ी, ठीक है, कैसा पढ़ेंगे क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। फ्यूनिकल क्या होता है? मैंने जैसा पहले भी बोला आपको, फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल ये वो शब्द है हमने कहा ना कि ये बेसिक एक्सप्लेनेशन की क्या है? ये बेसिक एक्वा है, ओवेरियन सैक। इस ओवेरियन सैक के साथ यहाँ पर उसको अटैच करके रखना है। तो यहाँ पर कौन है आपको? कौन है यहाँ पर? प्लासेंटा। अब इस प्लासेंटा से जो साफ आगे बढ़ेगी वो क्या हो जाएगी? समझा? बढ़ना है आगे ना, हमने यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिख रहा है कि हमने कहा कि जो इंटुगमेंट होती है, the इंटुगमेंट इंक्लोजेस ए मास ऑफ सेल कॉल्ड एज द न्यू सेलर। हमने पहले क्या कहा? हमने कहा कि जो इंटुगमेंट है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अब उस इंटुगमेंट के अंदर भी मास ऑफ सेल है, बंचेस ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल है या सेल का मजमू है, वो कौन होगा? न्यू सेलर। एंड दिस सेल है अबंडेंट यानी बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल। इसके पास क्या होगा? रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल मतलब जमा किया हो गया, ठीक है। द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड इन द न्यू सेलस। इसका मतलब क्या है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर लोकेट करता है, कहां पर प्रेजेंट होता है? न्यू सेलस में। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर मदर सेल थ्रू रिडक्शनल डिवीजन, और इसी रिडक्शनल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? मियोसिस। क्या कहते हैं उसको? मियोसिस। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर इन्होंने पूरा नाम दिया हुआ है मेगास्पोर मदर से, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। इसको याद रखना कि इसका पूरा नाम क्या है? मेगा
स्कूल मदर फलिया, ठीक है, स्कूल मदर फलिया, जहां तक हो सकता हम लोग उर्दू को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मेगा स्कूल मदर फलिया, मेगा स्कूल मदर से, ठीक, क्लियर, बात समझ में आ रही है ना, साजिदा फातिमा, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसको कहा जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्या कहा जाता है इसको, मेगा स्पोरोजेनेसिस, याद आ रहा है आपको, इससे पहले हमने कौन सा प्रोसेस पढ़े थे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, वैसे ही हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, मेगा स्पोर मदर से, और उस मेगा स्पोर मदर से क्या होता है, एम्ब्रियोसाइट, है ना, अभी हमने वही पढ़ा, और वो एम्ब्रियोसाइट कहां पर होता है, न्यूसेलस के बीच में, न्यूसेलसिस के बीच में होते हैं, इंटुमेंट, है ना। अब हम बात कर रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो बेसिकली होता क्या है कि वो जो मेगा स्पोर मादरी फलिया है, कौन है, मेगा स्पोर मदर से, उससे क्या बनने वाला है, मेगा स्पोर की तश्कील होने वाली है। तो जब मेगा स्पोर मादरी फलिया यानी मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्या बोलते हैं उसको, मेगा स्पोरोजेनेसिस। बेसिकली क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स उमूमन न्यू सेल्स के कहां पर होते हैं, माइक्रोफाइलर हिस्से में, सिर्फ एक वाहिद मेगा स्पोर मदर सेल होता है जिसको क्या करते हैं, वो तफरीक करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। नाउ ये एक बड़ा सेल होता है जिसमें गाढ़ा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर आपको एक नुमाया क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस, मतलब उसके अंदर आपको एक नुमाया क्या देखने को मिलता है, मरकज। तो हम आमतौर पर न्यूक्लियस, ये जो वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है, हम इस न्यूक्लियस को उर्दू में क्या बोलते हैं, मरकज। तो वहां पर आपको क्या दिखाई देता है, वासे और क्लियर क्लियर, वहां पर आपको क्या दिखाई देता है, मरकज। तो हम क्या करें, हम ये करें कि जो मेगा स्पोर मदर सलिया है उसकी वजह से आपके पास मेगा स्पोर बनता है, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, तो ओव्यूल्स के अंदर जो म्यूसिलस वाला एरिया है, उस म्यूसिलस के अंदर कौन होता है, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड यानी जहां पर इंटुमेंट क्या है, एब्सेंट है, वहां पर क्या होता है, उस हिस्से में वहां रहेगा मेगा स्पोर मदर सेल, और उस मेगा स्पोर मदर सेल का होगा डिफरेंशिएशन, तफरीक होगी, वो तब्दील होगा, चेंज होगा। तो ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है ये एक बड़ा सेल होता है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, गाढ़ा साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस। अब होता क्या है, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है उसके अंदर हमको देखने को मिलती है मियोटिक तकसीम, क्या देखने को मिलती है, मियोटिक तकसीम, और इस मियोटिक तकसीम की वजह से क्या होता है, ये जो मेगा मदर सेल है इसमें मियोसिस रोनुमा होने की जो अहमियत है वो क्या है, वो ये है कि उसकी वजह से धीरे धीरे वहां पर रिडक्शनल डिवीजन होगा, क्रोमोसोम के जो सेट दो थे वो क्या हो जाएगा, एक। तो मियोसिस की खास बात क्या होती है, उसकी वजह से हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, और इसी मियोसिस के नतीजे में क्या होते हैं, चार मेगा स्पोर बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने कहा वहां पर माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होना शुरू होता है, रिडक्शन, और रिडक्शनल डिवीजन होने की वजह से वो क्या बना देते हैं, पोलन। तो हमने कहा था कि एक मेगा, एक माइक्रोस्पोर इंजन से कितने बनते हैं, चार, याद आ रहा है। तो वैसे ही यहां पर भी क्या होगा, एक मेगा स्पोर इंजन से कितने बनेंगे, चार मेगा स्पोर यानी कितने बनेंगे, चार अंडे या चार एग, बात समझ में आ रही है। तो जब भी मियोसिस का अमल होता है तो मियोसिस की वजह से रिडक्शनल डिवीजन होता है, और रिडक्शनल डिवीजन की वजह से एक सेल से कितने सेल बनते हैं, चार। तो इस प्रोसेस की यानी मियोटिक डिवीजन की फायदा क्या हो गया, एक सेल से आपको कितने सेल बन रहे हैं, चार, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर एक तो फर्क, दो चीजों में फर्क है, एक ये है कि आपके पास जो क्रोमोसोम के नंबर है वो कम हो रहे हैं,
दूसरी जगह क्या है, आपके पास जो सेल है जो एक था वो कितने बन गए, तो उसका फायदा हुआ या नुकसान, बात समझ में आ रही है। बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब मेगा स्पोरोजेनेसिस का अमल होता है तो उस मेगा स्पोरोजेनेसिस के अमल में जो मेगा स्पोर बदर सेल होता है उसके अंदर मियोसिस होती है, मियोटिक डिवीजन होता है, तकफीफी तकसीम होती है, और उस तकफीफी तकसीम की वजह से आपको क्या मिलते हैं, चार मेगा स्पोर। याद रहेगा, लिखिए पास। इसका क्या मेगा मदर से एन एम कोई प्रमोटर नहीं है। हाँ वैसा ही है, जैसा वहां पर क्या था टीएमसी था वैसा यहाँ पर क्या है एमएफसी। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बात ना। अभी इसको थोड़ा डायग्राम के जरिए हम समझते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ओव्यूल है, अब ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल है कौन है, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल को अगर पहचानना है तो कैसा पहचानेंगे, सबसे पहले पहचानने का एक तरीका क्या है कि वो कहां पर होगा, माइक्रोपाइलर एंड, कहां पर होगा माइक्रोपाइलर एंड। दूसरा कि उसके आजू बाजू कौन होंगे, न्यू सेलस, कौन हो गए न्यू सेलस, जो उनको क्या पहुंचाने वाले गीजा, गीजा क्या पहुंचाने वाले। अब इनके बीच है ये न्यू सेलस, इनके बीच में कौन मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा, ठीक है। तो अब वो बनेगा जो किस साइड में है, माइक्रोफाइलर एंड के साइड में, इसलिए यहां पर ये देखिए यहां पर कौन हो गए ये मेगा स्पोर मदर सेल। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझो कि ये न्यू सेलस है और यहाँ पर ये न्यू सेलस, यहाँ पर एक सेल है, यहाँ दूसरा सेल है, यहाँ तीसरा सेल है, तो इन तीनों सेलों में से वो सेल जो किस एंड की तरफ है, माइक्रोफाइलर एंड की तरफ है, वो वाला कौन बन जाएगा मेगा स्पोर मदर सेल। उनमें तो ये मेगा स्पोर मदर, अब मेगा स्पोर मदर सेल की खास बात क्या है, तो उसके पास है साइटोप्लाज्म। क्या है उसके पास, साइटोप्लाज्म। कैसा साइटोप्लाज्म है, तो हमने कहा कि दूसरा उसके पास क्या है, न्यूक्लियस, जिसको हमने क्या कहा, उसके पास क्या है ना। अब आगे चलते क्या होगा, आगे चलते इसके अंदर होगा मियोटिक डिवीजन, मियोसिस, यानी पूरा एक प्रोसेस होने वाला है जिसको हम क्या कहते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो मेगा स्पोर है ये डायड बन जाएगा, इसमें टूटेगा, टूटेंगे चार में, तो इस तरह से क्या बन गया मेगा स्पोर एटेट्रा। वहां पर भी हमने पढ़ा था माइक्रो स्पोर एटेट्रा। तो बेसिकली होगा क्या, जो मेगा स्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोसिस का अमल होगा, एक सेल से कितने बन जाएंगे चार, तो इसको हम क्या कहते हैं मेगा स्पोर एटेट्रा। कौन सा सेल मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा, कौन सा सेल मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा, अभी बोला ना मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ये कौन बनेगा मेगा स्पोर मदर सेल, जो किस साइड, किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड पर। अरे अभी बता रहे तो कौन सी साइड में होगा, ओव्यूल के, ओव्यूल की कौन सी साइड में होगा, माइक्रोपाइलर एंड। अभी बोला ना मैंने कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल होगा वो सेल होगा मेगा स्पोर मदर सेल, और उस मेगा स्पोर मदर सेल का आगे क्या होगा मियोसिस, और मियोसिस होगा उसके अंदर कितने सेल बनेंगे चार, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे मेगा स्पोर टेट्रा। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि हमारे पास जो ओव्यूल है उस ओव्यूल की साख को थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे तो आपको बातें क्लियर होगी। ओव्यूल की साख कैसी है,
तो हमने कहा कि उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा बेसिक अल्फा। तो बेसिक अल्फा है, उस बेसिक अल्फा के अंदर प्लासेंटा है, प्लासेंटा से जुड़ा हुआ फेनिकल है, फेनिकल से जुड़ा हुआ है हाइलम, हाइलम से जुड़े हुए कौन है इंटुगमेंट्स, इंटुगमेंट्स के बीच में कौन है म्यूसेलस, म्यूसेलस के बीच में कौन है एम्ब्रियो सैक, कौन है एम्ब्रियो सैक। तो ये जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है ये एम्ब्रियो से किससे बन रहा है मेगा स्पोर सेल से। अब हमने कहा कि वो मेगा स्पोर सेल कौन है, तो वो मेगा स्पोर सेल है मेगा स्पोर मदर से। फिर क्वेश्चन ये है कि फिर कौन मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक जगह है वहां पर अगर 10-12 सेल है तो उन 10-12 सेल में से कौन मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा, वो सेल मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा जिसकी लोकेशन किस साइड में होगी माइक्रोपाइलर एंड। तो जिसकी लोकेशन माइक्रो, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि दो एंड है, एक माइक्रोपाइलर है और चलाजा, तो जो चलाजा की साइड में होगा वो होगा क्या मेगा स्पोर मदर सेल, नहीं जो किस साइड में होगा माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर सिरा। फिर वो जो सेल है वो सेल की भी खास बात क्या है, उस सेल की खास बात ये है कि उसके पास क्या है गाढ़ा साइटोप्लाज्म और उसके पास क्या है न्यूक्लियस। फिर वो जो सेल होगा तो उस सेल के अंदर क्या होगा मियोटिक तकसीम, मियोसिस का अमल होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, और अगर उसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है तो एक सेल से कितने सेल बन जाएगी चार, और अगर चार सेल बनता है तब हम उस सेल को क्या बोलते हैं मेगा स्पोर टेट्रा। नुमान, साजिदा, फातिमा, बात की गई उनके बच्चों, फातिमा और नुमान ना, उसी बात को थोड़ा सा मैं इंग्लिश में और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मादरी खलिये से अगर आपके पास क्या बनता है मेगा स्पोर बनता है तब हम उसको क्या कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल कंटेन डिफरेंशिएटेड सिंगल डिप्लॉयड मेगा स्पोर, ये जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के अंदर क्या होता है एक डिफरेंशिएटेड सेल होता है जो सिंगल होता है और कैसा होता है डिप्लॉयड, उसको हम क्या कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, क्या कहते हैं मेगा स्पोर। एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि मेगा स्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड होता है, क्या होता है क्या होता है मेगा स्पोर मदर सेल हैप्लॉयड होता है डिप्लॉयड डिप्लॉयड होता है, कैसा होता है डिप्लॉयड। तो मेगा स्पोर सेल के अंदर जब मियोसिस होगा तो फिर क्या हो जाएगा तब हो जाएगा हैप्लॉयड, मतलब उससे जो बनने वाले चार होंगे वो चारों भी कैसे होंगे हैप्लॉयड। तो एक मेगा स्पोर मदर सेल कैसा होगा डिप्लॉयड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। एट द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस का जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके तरफ जो सेल होगा वो होगा मेगा स्पोर मदर सेल, और हमेशा मेगा स्पोर मदर सेल की कंडीशन क्या रहेगी डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम की कितनी कॉपी रहेगी दो, कितनी रहेंगी दो। लास्ट द मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, इसमें जाता है मियोटिक डिवीजन जिसको क्या कहते हैं मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। As a result, there is four haploid cell forms. और उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये रहेगा कि वहाँ पर क्या बन जाएंगे? Four haploid cell और four haploid cell को हम क्या कह रहे हैं? Mega spore. क्या कह रहे हैं उसको? Mega spore tetra. तो कभी भी confused नहीं होने का। एक है mega spore mother cell, दूसरा है mega spore. Mega spore mother cell हमेशा कैसे रहेंगे? Diploid. और mega spore हमेशा कैसे रहेंगे? माँ और बच्चा दोनों में फर्क है ना, याद रहे ठीक हो पास। बेटा सिर्फ मेगा स्पोर से,
फर्टिलाइजेशन किसका हुआ आगे चल के मेगास्पोर का, मेगास्पोर मदर सेल ये कभी भी फर्टिलाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो प्रीकर्सर सेल है, वो ओरिजिन करने वाला सेल है, वो मेगास्पोर बनाने वाला सेल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेगास्पोर सेल, मेगास्पोर मदर सेल हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉयड। उसके बाद दो कॉपी होती है, तो मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? मेगास्पोर। और मेगास्पोर हमेशा क्या रहेगा? हैप्लॉयड। और हैप्लॉयड सेल को हम कहते हैं जिंसी खलिया। इसका मतलब जिंसी खलिया अगर मेगास्पोर है तो फर्टिलाइजेशन के अमल में, अमले बारहवें में हिस्सा कौन लेगा? मेगास्पोर। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें दो एक्स्ट्रा बातें सेम डायग्राम में जो पहले मैंने बताया, सिर्फ इसमें दो बातें जो एक्स्ट्रा है जो उर्दू वाले इसमें नहीं था, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया हुआ है। क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, जब एक टेट्राड बनता है, चार सेल बनते हैं, तो देयर इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ फोर सेल इज कॉल्ड एज लीनियर टेट्राड। क्या बोल दिया जाता है इसको? लीनियर टेट्राड। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर मतलब एक खत में सीधा सीधा। लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा एक खत में, जब हम बनाते हैं ना सीधा खत, यानी इस तरह से जी। ठीक है, तो ये जो खत है ये सीधा है, इसलिए इसको बोला जाता है लीनियर। ठीक है, दूसरा अमंग फोर सेल वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल while the other three degenerate। अभी जो चार मेगास्पोर बनेंगे, इन चार में से कोई एक जिंदा रहेगा और बाकी के तीन क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। only functional मेगास्पोर develops into the female gametophyte। और आगे चलके क्या होगा? इन चारों में से जो एक जिंदा बचेगा वो आगे चलके किसमें तब्दील हो जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। किसमें तब्दील हो जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। तो बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है कि यहाँ पर जब मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो इस मेगास्पोरोजेनेसिस के अमल में मेगास्पोर मदर सेल से चार खलिया बनेंगे। मेगास्पोर मदर सेल की जो कंडीशन होगी वो होगी डिप्लॉइड, मेगास्पोर की जो कंडीशन होगी वो होगी हैप्लॉइड। फिर चार मेगास्पोर में से भी एक बचेगा, बाकी तीन क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। याद रहेगा? ठीक, एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करके फिर हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, नाउ हमने कहा कि जो आखिरी सेल बचेगा, बाकी के जो तीन है वो डीजेनरेट हो जाएंगे, और जो एक सेल बचेगा वो आगे चल के क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट, मादा गैमेटोफाइट को बनाएगा। तो अब हम यहीं पर मादा गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें। इस फीमेल गैमेटोफाइट में होगा क्या? फीमेल गैमेटोफाइट में किस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, किस तरह से उसके अंदर क्या होगी? तब्दीलियां होगी। तो आप बेसिक कंसेप्ट यहां पर याद रखिए, जिसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ज्यादातर अगर हम फुल्लर फॉलो की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मेगा स्कोर है उस मेगा स्कोर में से सिर्फ एक क्या रहेगा? अमली रहेगा। एक कैसा रहेगा? अमली रहेगा, यानी एक क्या होता है? फंक्शनल। बाकी के जो दूसरे तीन है वो सबके सब क्या हो जाएंगे? जायल हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। जायल हो जाएंगे यानी हम उसको क्या कहते हैं? खत्म हो जाएंगे, या हम उसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? जनरेट मतलब बनाना, पैदा करना, और डीजेनरेट मतलब खत्म करना। ठीक है, सिर्फ फंक्शनल जो मेगा स्कोर है वो नमू पाएगा, और नमू पाकर वो क्या बना देगा? मादा गैमेटोफाइट, और मादा गैमेटोफाइट आगे चल के बनाएगी एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहां देखे अभी हमने? ओव्यूल्स के अंदर, याद आ रहा है? ओव्यूल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, ऊपर तीन नीचे तीन बीच में दो, याद आ रहा है? तब उसकी बात यहां पर होने वाली है।
तो एक वाहक जो मेगा स्पोर होता है उससे एम्ब्रियो सेल की क्या होती है, तश्कील होती है। और इसमें जो तश्कील का तरीका है उसको कहा जाता है मोनोस्पोरिक नमो। क्या बोला जाता है इसको? मोनोस्पोरिक नमो। तो यहाँ पर एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर बचेगा, उसी एक मेगा स्पोर से मादा गैमेटोफाइट बनेगी, और उसी मादा गैमेटोफाइट के बनने के अमल के दौरान उस मेगा स्पोर के अंदर अलग अलग तब्दीलियां हो रही है, उनको हम क्या कह रहे हैं, मोनोस्पोरमिक डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं उसको? मोनोस्पोरमिक डेवलपमेंट। नाउ जो म्यूसेलस है, उस म्यूसेलस के जितने भी खलिए हैं, जितने भी सेल है, दूसरा जो मेगा स्पोर मदर सेल है, और लास्ट में कौन बच गया, अम्ली मेगा स्पोर। तो इसमें होगा क्या कि जो अम्ली मेगा स्पोर है, यानी जो फंक्शनल मेगा स्पोर है जो पीछे बच गया, उसके अंदर क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस मतलब कौन हो गया, मरकस। न्यूक्लियस मतलब कौन हो गया, मरकस। वो न्यूक्लियस के अंदर होगा माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक। माइटोटिक मतलब बराबर, बहुत बढ़िया, बराबर की तकसीम। बराबर की तकसीम का मतलब क्या है? दो चार चार आठ। हाँ, एक है तो दो, दो है तो चार, चार है तो आठ। तो क्या होगा, जो पीछे कौन बचा हुआ है, मेगा स्पोर, उस मेगा स्पोर का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या स्टार्ट हो गई, माइटोटिक तकसीम। अब होकर क्या होगा, उसके अंदर होगी न्यूक्लियाई तश्कील। उसके अंदर क्या होगी, न्यूक्लियाई तश्कील। न्यूक्लियाई तश्कील का मतलब क्या होगा, मरकज का बनने का अमल स्टार्ट हो जाएगा, जो मुखालिफ कुतुबों की तरफ हरकत करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कुतुब मतलब पोल एंड, दो अलग अलग सिरे है ना, कुतुब मीनार। सुने कभी, देखे कभी, जाके देखो, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, इधर है। तो दो जो एंड है उनको हम क्या बोलते हैं, कुतुब। तो यहां पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा एक से दो, दो से चार, चार से आठ। अब जब ये फॉर एग्जाम्पल आठ बन गए, तो ये आठ क्या करेंगे, ये आठ अलग अलग जगह जाने की कोशिश करेंगे। तो जब ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, मुखालिफ कुतुबों की तरफ क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। जब ये मुखालिफ कुतुबों की तरफ हरकत करेंगे, तो होगा ये कि जो दो न्यूक्लियाई या दो न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सेक बनाते हैं, अब क्या हो गया, एक सेल था, एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से कितने बने, दो न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस क्या हो गए, अपोजिट पोल पे जाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से वो जो एक एम्ब्रियो, एक मेगा स्पोर था, उस एक मेगा स्पोर में कितने न्यूक्लियस हो गए, दो। अगर दो न्यूक्लियस हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे, टू न्यूक्लियर। दो मरकज, क्या बोलेंगे उसको, टू न्यूक्लियर, या क्या बोलेंगे, दो मरकज। फिर इनके अंदर दोबारा और क्या होगी, तकसीम होगी। फिर इनकी तकसीम होने के बाद क्या होगा, इस तरह से दो न्यूक्लियर ही बनते हैं लगातार, दो मजीद तरतीब तकसीम होगी, यानी एक बार तकसीम हुई, फिर उसके बाद दूसरी होगी, फिर उसके बाद तीसरी होगी। तो लगातार इस तरह से और दो अगर हो गई, तो पहले में कितने बने थे, दूसरे में कितने बने गए, और तीसरे में कितने बने गए, हाँ। तो इस तरह से क्या होता है, नतीजे में एम्ब्रियो से भी चार न्यूक्लियर, और फिर बाद में चलती क्या हो जाएगी, आठ न्यूक्लियर बनकर क्या होती है, तकसीम। अभी डायग्राम को देखो, ये न्यूक्लियस ये सेल है, इस सेल के अंदर फॉर एग्जांपल पहले ये जो एम्ब्रियो, सॉरी पहले ये मेगा स्पोर होगा, इस मेगा स्पोर में कितने न्यूक्लियस होंगे, एक, एक से कितने बने होंगे, दो, दो से कितने बनेंगे, चार, चार से कितने बनेंगे, आठ। ये पहला माइटोसिस, ये दूसरा माइटोसिस, ये तीसरा माइटोसिस। माइटोसिस मतलब बराबर की तकसीम। तो इस तरह से आखिर में कितने न्यूक्लियस बन गए, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी मेगा स्पोर की, वो कितनी होगी, एट न्यूक्लियेटेड या आठ मरकजी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं लिख में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इससे आगे की हम बात करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं, अच्छा ऑनलाइन के बच्चों, नुमान, साजिदा, फातिमा, बात समझ में आ रही है बच्चों, फातिमा का रिप्लाई नहीं है, नुमान का रिप्लाई नहीं है, अनम का रिप्लाई नहीं आ रहा है। आप लोग अगर रिप्लाई नहीं देखे तो मेरे को कैसा मालूम पड़ेगा, ठीक है। नाउ हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज
एम्ब्रियो से फ्रॉम मेगा स्पोर इज कॉल्ड एज मेगा गैमेटोजेनेसिस, इज कॉल्ड एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब इस मेगा गैमेटोजेनेसिस में हो रहा क्या है, क्रोमेटिन है द न्यू सेलस ऑफ सॉरी न्यू सेलस नहीं द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइडेड माइटोटिकली इनटू टू न्यूक्लिया, कितने न्यूक्लिया में टूट जाएगा वो दो। नाउ दिस टू न्यूक्लिया मूव्स टू द अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट पोल, यानी दो अपोजिट या मुखालिफ खुदबों की तरफ, दो मुखालिफ एड़ी की तरफ वो जाना शुरू करेंगे एंड फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल। तो उन्होंने क्या बना दिए, दो न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल। नाउ टू मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर न्यूक्लिएटेड एंड देन एट द एट न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेल। इस तरह से क्या होगा, पहले वो दो न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल होगा, बाद में फिर वो चार न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल होगा, बाद में वो आठ न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होगा। अरे देखे नहीं थे, लिखे तो बोला मैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है अब एक और लिख दिया, बात समझ में आई। तो अभी कितने स्टेज हो गए एम्ब्रियो सैक के अंदर, कितने न्यूक्लियस हो गए, आठ। नाउ अब उन आठ न्यूक्लियस में से होता क्या है, इसको समझ होता ये है कि जो एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है उसमें क्या होता है, आठ में से जो छह न्यूक्लियाई सेल है वो दीवारों से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। आठ में से कितने हैं, छह, वो किससे घिर जाते हैं, दीवारों से, और ये मुनज़्ज़म सेल बना देते हैं या मुनज़्ज़म खलीय बनाते हैं। ये आगे चलिए क्या बनाते हैं, मुनज़्ज़म, मुनज़्ज़म मतलब ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, वेल डेवलप, ठीक है। और बाकी के जो दो न्यूक्लियाई है वो पोलर न्यूक्लिया बना देंगे, वो आगे चलिए क्या बना देंगे, पोलर न्यूक्लियाई, और वो बड़े मरकजी सेल यानी सेंट्रल सेल में एग अपैरेटस के नीचे वाकई होती है, और आगे चलिए वो किसके नीचे छुप जाएंगे, एग अपैरेटस। ना बाकी यहाँ पर मैं इसके जरिए आपको समझा रहा हूँ। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऐसा उल्टा है जैसा हमने पहले देखे थे ना, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोपाइलर और ये कौन सा हो गया, सदासा, ठीक है। अब जो आठ न्यूक्लियस है, आठ न्यूक्लियस में से तीन यहां पर आ गए, तीन यहां पर है और दो कहां पर है, बीच में। जो तीन आखिर में है उनको क्या बोला गया है, एंटीपोलर, और जो तीन दूसरे एंड पर है यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उनको क्या बोला गया है, सिनर्जी, और उनके बीच में कौन हो गया, सेंट्रल सेल या सेंट्रल सेल। तो ये जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर क्या है, टू पोलर न्यूक्लियर। नाउ अब इसी को थोड़ा सा हम मैच्योर एम्ब्रियो की बात करें, मैच्योर एम्ब्रियो में क्या होगा, अब मैच्योर एम्ब्रियो में इसको थोड़ा सा पलटा दो, तो जो चलासर एंड की तरफ है यानी ये वाला एंड था ना, ये वाला एंड यहां था, चलासर एंड वो कौन हो गए, एंटीपोलर। वो कौन से है, कौन सा, हां सर ये एग है, ये अंडा है जिसका आगे चल के क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन में जो हिस्सा लेने वाला है। तो ये है फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो साइट, एम्ब्रियो साइट के अंदर एग है, अंडा है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो तो बीच में है उनको हमने क्या बोला है, पोलर न्यूक्लियर या उनको क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। और जो माइक्रोपाइलर एंड है उस माइक्रोपाइलर एंड पर जो दो सेल आ गए उनको हम क्या कह रहे हैं, सिनर्जी, क्या कह रहे हैं उनको, सिनर्जी। और ये सिनर्जी आगे चल के क्या बना देंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस, क्या बना देंगे, फिलीफॉर्म। अभी फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, क्या काम करता है, उसको आगे देखने वाले। बट इतना याद रखो कि हमने कहा कि जो एक मेगा स्पोर होता है उस मेगा स्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर तीन बार माइटोसिस होता है। तीन बार माइटोसिस होने की वजह से कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं, आठ। आठ में से जो तीन है जो माइक्रोपाइलर एंड पर है उनके नाम क्या है, सिनर्जी। आठ में से जो तीन है जो चलासर एंड पर है उनके नाम क्या है, एंटीपोलर। और आठ में से अब जो पीछे बच गए दो वो कौन हो गए, सेंट्रल सेल, या हम लोग क्या बोल रहे हैं, टू पोलर न्यूक्लियर। तो इस तरह से एक पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है, समझा, कैसे बस में। तो वो जो आठ न्यूक्लिया है, देखो ना आठ न्यूक्लिया का अरेंजमेंट हो गया, तीन
चलाजमल यूनिट पे चले गए तीन, माइक्रोपैनल पे चले गए दो, सेंटर सेल। ठीक, नॉलेज बात को मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंग्लिश में भी आपको बात समझ में लिखना है तो तब तक लिख लो। अभी एम को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो आगे कहाँ पर होता है। दो अलग अलग एंड पे चले गए थे तो दोनों एंड पे से एक एक निकल के आ गया तो क्या बना दिया उन्होंने, सेंटर सेल। नाउ लेटर दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। हम आगे चलिए पढ़ेंगे कि ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद भी वो क्या बना देंगे, सेंट्रल सेल, या जिसको हम क्या कहते हैं, डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनाएगा इसको, डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। Now the three nuclei at the chalazal end are surrounded by cytoplasm. Chalazal end के ऊपर जितने भी तीन सेल हैं, उनके आजू-बाजू क्या आ गया? Cytoplasm. मतलब वो एक complete cell बन गया, complete सलिया बन गया, and cell wall. और उसके पास क्या आ गई? Cell wall आ गई। अब cell wall क्या होती है? इसको हम आगे पढ़ेंगे। Now these are called as antipoda. इनको क्या बोला जाता है? Antipoda. और जो micropylar पर होंगे, उनको क्या बोलेंगे? Synergid. क्या बोलेगा उनको? तो कितना टाइम हो गया? 5 मिनट और बचे हैं। नाउ हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो एम्ब्रियो सेल, उस एम्ब्रियो सेल के अंदर जितने भी खलिये होते हैं उनके, हमने कहा कि उनमें क्या होता है, मखसूस तकसीम का मान होता है, जिसमें से हमने कहा कि माइक्रोसेलर माइक्रोपाइलर सिरे के ऊपर तीन सेल होते हैं और वो एक ग्रो बना देते हैं। फिर वहां पर क्या बनना शुरू हो जाता है, एग एपरेटस। वहां पर क्या बनना शुरू हो जाएगा, एग एपरेटस। फिर हम ये करेंगे जो एग एपरेटस है वहां पर क्या होंगे, दो सिनर्जिक सेल होंगे और एक बेसी खलिया, यानी क्या बना देगा, एग सेल। क्या बना देगा, एग सेल। तो जो तुमको बताया था ना एग अंडा जो पूछ रहे थे, तो हमने कहा कि तीन ऊपर गए, तीन नीचे गए, दो बीच में रह गए। तो जो बी जो तीन है कौन से वाले एरिया के ऊपर, वो एरिया जिसको क्या कह रहे हैं, माइक्रोपेलर। उस माइक्रोपेलर के ऊपर कौन है, दो बन गए सिनर्जिड और एक बन गया बेसी खलिया, जिसको तुम पूछ रहे थे पास। फिर हमें कह रहे हैं कि माइक्रोपेलर से ऊपर क्या होगा, सिनर्जिड की मखसूस सेलुलर दबासन, जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर थिकनिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हैं उसको, फिलीफॉर्म। अब फिलीफॉर्म क्यों होते हैं, तो ये उंगलियों की तरह दिखने वाले हैं, फिलीफॉर्म, ट्यूब की तरह छोटे छोटे दिखने वाले स्ट्रक्चर है। अब ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, जो पोलर ट्यूब्स को सिनर्जी की तरफ क्या करते हैं, रहनुमाई में हेल्प करते हैं। तो जो बाजू में दो सेल है उनको हम कहते हैं सिनर्जी, और उसके ऊपर जो सेल है वो है बेजा। उस एग तक किसी को जाना है तो उस एग तक जाने के लिए गाइडेंस कौन देता है, वो गाइडेंस करने का काम इसका है सिनर्जिड। इसका है सिनर्जिड, हम इसको देखो दो मिनट कि ये है, ये सिनर्जिड है, ये एक सिनर्जिड है, ये दूसरा सिनर्जिड है, और यहां पर कौन है, एग। अब जब ये ट्यूब आएंगी इस तरह से है ना पोलन के पास की, तो इस ट्यूब को यहां पर आना है, तो इस ट्यूब को यहां लाने से पहले किससे गाइडेंस लेना पड़ेगा, सिनर्जिड। तो यहां पर इस एनर्जी तक लाने का काम, एनर्जी से गाइडेंस लेना है तो इस एनर्जी तक लाने का काम भी कौन करेगा, पहले फिलीफॉर्म एपरेटस। कौन करेगा, फिलीफॉर्म एपरेटस। नाउ जो चलाजल सिरा है उसमें तीन सेल होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीपोलर सेल कहते हैं। जैसा कि हम पहले इसको और अच्छे से बता चुके, तो हमने एक बार पढ़ा कि बड़ा मरकजी जो सेल होता है उसमें क्या होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई, यानी यहां पर क्या होता है, दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, और फिर क्या बना देते हैं, सेंट्रल सेल। क्या बना देते हैं, सेंट्रल सेल, जिसको हमने दूसरा नाम क्या रखा, डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोला हमने, डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। लास्ट बस एक तमसीली एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेल, अगर हम एक मिसाली
एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सेल लेते हैं तो उसमें अगर जो 8 न्यूक्लियेट होते हैं, कितने न्यूक्लियेट होंगे 8, मगर इनमें से 7 खलिये होते हैं, खलिये कितने होंगे 7। तो एग्जाम में ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जाता है बार बार कि जो एम्ब्रियो सेल होता है उसमें खलिये कितने होते हैं 7 और न्यूक्लियस कितने होते हैं 8। कैसा ऊपर तीन ऊपर में तीन नीचे में दो बीच में तो कितने हो गए 8। लेकिन सेल तो कितने हैं 7। क्यों इधर आके बिल्डर से समझो हमने जो बीच वाले दो थे वो क्या हो गए एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए और इसलिए हमने क्या बोले डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई। समझ में इसलिए इस तरह से यहाँ पर सेल्स कितने होते हैं 7 खलिये लेकिन न्यूक्लियस कितने होते हैं 8। एग्जाम में अक्सर बार बार ये पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन में दिया होता है 8 न्यूक्लियेटेड बट 7 सेल, 8 न्यूक्लियेटेड बट 7 सेल, 8 न्यूक्लियस होंगे लेकिन 7 खलिये होंगे। क्यों? क्योंकि बीच के जो दो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और नतीजे में सिर्फ एक खलिया बनता है या एक सेल बनता है। समझा सलमान? कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में क्या होता है तो देयर थ्री न्यूक्लियर एट द माइक्रो पाइलर एंड ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ एग एपरेटस दे आर आइडेंटिफाई इनटू टू सिनर्जीज एंड एंड एग बिटवीन देम। वो क्या करेंगे उन दोनों के आजू बाजू दो सिनर्जी बनेंगे और बीच में क्या बन जाएगा एक एग बन जाएगा एक वैसा बन जाएगा। द एंजियोस्पर्म आपके पास एक प्रोसेस आएगा होगा जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब दूसरा कौन सा आ गया मेगास्पोरोजेनेसिस। घर बैठ के आसानी से इस पूरे चैप्टर को आपने याद करना है। कल भी छुट्टी है, परसों 15 अगस्त है उसमें भी हमारे लिए छुट्टी रहेगी क्योंकि उस दिन अलग अलग तरह के प्रोग्राम में तो बिजी रहेंगे। इसलिए कल भी छुट्टी परसों भी छुट्टी आपके पास दो दिन है अच्छे से स्टडी करने के पूरे चैप्टर के नोट और पूरे चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।